दर्शकों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र का जो 28 फरवरी को मेष राशि में प्रवेश होने जा रहा है, इसका तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होते हैं। लग्नेश किसी भी कुंडली में लग्नेश को योग कारक माना जाता है, क्योंकि लग्नेश हमारा जन्मदाता होता है और इसलिए वो जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है और हमारे लिए चीजें अच्छी करने की पूरी कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो शुक्र की स्थिति होगी, जो शुक्र बैठेंगे गोचर से अगर आप देखें तो यहां पर सेवंथ हाउस में बैठेंगे। यहां सेवंथ हाउस में बैठकर जो शुक्र अपनी ही राशि से, अपनी ही दृष्टि से देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस को। देखिए, शुक्र की यह स्थिति, शुक्र चूंकि यहां सप्तम हाउस में विवाह स्थान में आकर के बैठेंगे, निश्चित ही शत्रु राशि में बैठेंगे, लेकिन फिर भी लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। मैरिज सुख, वैवाहिक सुख में पूरी तरह से वृद्धि करेंगे। पत्नी से आपके संबंध को बहुत मधुर करेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको यहां पर लाभ देंगे, पार्टनरशिप में आपको लाभ देंगे। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस किए हुए हैं तो उससे भी संबंधित रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। शुक्र की सीधी दृष्टि जाकर पड़ेगी आपके लग्न पर, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आप अच्छा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ फील करेंगे, क्योंकि अपनी दृष्टि से शुक्र यहां पर लग्न भाव को देख करके आपके लग्न में वृद्धि फील करेंगे, यहां सॉरी आपके लग्न भाव में वृद्धि करेंगे, आपके जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है उसमें वृद्धि करेंगे। शुक्र की यही दृष्टि लग्न पर आपको जागरूक भी करेगी इस गोचर काल में, जो ये पूरे महीने गोचर रहेगा शुक्र का, आप और अधिक दिखने का प्रयास करेंगे। वैसे भी तुला लग्न और तुला राशि वाले थोड़े शौकन मिजाजी होते हैं, लग्जरी में इनका इंटरेस्ट होता है, साथ सजावट में इनका इंटरेस्ट होता है, घर को हर चीज को सजा कर रखना इनकी आदत होती है, पेट्स में इनका इंटरेस्ट होता है, कपड़े वगैरह ये बहुत अच्छा पहनते हैं, इन सब चीजों में इंटरेस्ट वैसे भी होता है, और शुक्र की सातवीं दृष्टि यहां पर इन चीजों में और इंटरेस्ट आपका बढ़ाएगा और चीजें आपके लिए अच्छी करेगा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आप निश्चित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिएगा, श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, आप शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः का भी जब 108 बार कर सकते हैं, उससे भी शुक्र आपका बेहतर होगा और अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। तुला के बाद अब चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा परिणाम। देखिए, वृश्चिक के लिए जो शुक्र है वो सेवंथ के लॉर्ड बनते हैं और ट्वेल्थ के लॉर्ड बनते हैं, वैवाहिक सुख के मालिक, फॉरेन हाउस के मालिक, एक्सपेंसेस के मालिक, लग्जरी के मालिक और सही सुख के मालिक, इन चीजों के मालिक यहां पर वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न में शुक्र बनते हैं। इन चीजों का मालिक होकर के शुक्र जो बैठेंगे आपके सिक्स्थ हाउस में बैठेंगे। देखिए, मैरिज हाउस के लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठना बहुत अच्छी स्थिति ये नहीं कही जाएगी शुक्र की, लेकिन शुक्र का जिन चीजों में आपको फायदा मिलेगा, शुक्र की सीधी सातवीं दृष्टि जाकर आपके ट्वेल्थ हाउस पर पड़ेगी, मूल त्रिकोण राशि पर पड़ेगी। लग्जरी में आपकी वृद्धि होगी, सैया सुख में आपकी वृद्धि होगी, आराम में आपकी वृद्धि होगी, इन चीजों पर आप खर्च भी करेंगे। मार्च का महीना इन चीजों में आपको थोड़ा सा जागरूक ज्यादा करेगा और एक्सपेंसेस भी आपके थोड़े से बढ़ाएगा। लग्जरी से संबंधित चीजों में एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है, क्योंकि गोचर से जो स्थिति बनेगी मैं वही बताऊंगा, अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। तो यहां पर जो शुक्र की स्थिति है, सातवीं दृष्टि से ट्वेल्थ हाउस को देखेगा तो आपके एक्सपेंसेस में थोड़ी वृद्धि मार्च के महीने में करेगा, तो आप एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहां सिक्स हाउस में बैठेगा शुक्र, अपनी ही दृष्टि से इसको देखेगा, हाँ फॉरेन से संबंधित रिजल्ट सब अच्छे मिलेंगे। आप फॉरेन हाउस, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। वीजा अटका हुआ है शुक्र क्लियर करेगा। अगर फॉरेन में आप रह रहे हैं आपको जॉब अच्छे मिल सकते हैं, और अच्छे जॉब मिल सकते हैं। अगर जॉब में मिलने में परेशानी हो रही है, आपके इनकम, आपके परेशानियां फॉरेन में जो है वो कम सकती है, आपकी दूर की यात्राएं हो सकती हैं, ये सब अच्छे रिजल्ट यहां पर शुक्र देगा। शुक्र लक्ष्मी जी की आराधना से सुफल प्रदान करता है, आप लक्ष्मी आराधना कर सकते हैं। वैसे वृश्चिक लग्न के अगर आप हैं तो भगवान शंकर की आराधना अभी निश्चित रूप से करिए, उसके साथ साथ हनुमान जी की भी थोड़ी आराधना करिए। अब चलिए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र लॉर्ड बनता है, सिक्स्थ का और अलेवंथ का लॉर्ड बनता है, शत्रु भाव, ऋण भाव का और आय भाव का लॉर्ड होकर के शुक्र जाकर बैठेगा फिफ्थ हाउस में, अपनी ही दृष्टि से देखेगा आय भाव को। निश्चित रूप से जो धनु राशि वालों के लिए रिजल्ट है, आय से संबंधित, इनकम से रिजल्ट संबंधित रिजल्ट्स यहां पे अच्छे करेगा, क्योंकि अपने घर को जब भी कोई ग्रह देखता है या अपने घर में जब कोई ग्रह बैठता है तो उस घर को अच्छा करता है। यहां पर ज्ञान और एक्सपीरियंसेस के हाउस में बैठकर, ज्ञान भाव में बैठकर देखेगा आय भाव को, लाभ भाव को। निश्चित रूप से आपके नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस से लाभ को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आपके इनकम में वृद्धि करेगा शुक्र। बिजनेस से जो इनकम क्रिएट हो रहे हैं उसमें भी, उस इनकम में भी वृद्धि करने की कोशिश यहां पर शुक्र करेगा। शुक्र का और शुक्र की ये दृष्टि, जो चूंकि तुला राशि इसकी अपनी दृष्टि है, अपनी दृष्टि से तुला राशि इसकी अपनी राशि है, तो यहां लाभ, जहां जहां से आपको लाभ हो सकते हैं लाभ दिलाने में यह मदद करेगा। संतान भाव में बैठेगा लाभ का मालिक होकर के, संतान से सुख की प्राप्ति, संतान से लाभ, इसके भी योग आपको बनेंगे। उसके साथ साथ
आपके ज्ञान से आपको फायदा, आपके एक्सपीरियंसेस से आपको फायदा, ये सब अच्छे रिजल्ट्स यहां पर शुक्र करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र जहां दृष्टि डालेगा वहां प्रभावित करेगा और इस हाउस को प्रभावित करेगा, बाकी शुक्र की कोई दृष्टि है नहीं। बाकी ग्रहों के गोचर पर आप मार्च राशिफल भी देख लीजिएगा जो हमने बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच।